एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और सियार रहते थे। कौवा बहुत चालाक और बुद्धिमान था, जबकि सियार बहुत लालची और धूर्त था। एक दिन सियार ने कौवे के सामने मित्रता का नाटक किया और कहा, भाई कौवा, हम दोनों इस जंगल में रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम एक साथ भोजन ढूंढेंगे और इसे आपस में बांट लेंगे। कौवा समझ गया कि सियार का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी बात मान ली। अगले दिन दोनों भोजन की तलाश में निकले। उड़ते हुए कौवे को नीचे एक पेड़ पर मांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। कौवे ने मांस उठाया और पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। सियार ने मांस देखकर अपनी चालाकी दिखाई और कौवे से कहा, भाई कौवा, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी है, अगर तुम एक गाना गा दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौवा सियार की बातों में नहीं आया, क्योंकि उसे सियार की चालाकी का पता था। उसने चुपचाप मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर रखा और उड़ गया। इस तरह कौवे ने सियार की चालाकी को समझकर अपनी बुद्धिमानी से अपना मांस बचा लिया और सियार को खाली हाथ छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चालाक और धूर्त लोगों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी समझ से काम लेना चाहिए।